सूरत से एक लहजा आपकी समातों से टकराने जा रहा है, जिसके ताल्लुक से मैं पहली मर्तबा पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन उनकी शायरी के ताल्लुक से यूं रंग बताया गया कि हमारे कत्ल को इंसानियत का खून लिखना था, हमारे कातिलों को वक्त का कारून लिखना था। रफीक सरवर साहब एक शायर है, उनका बड़ा खूबसूरत शेर आपको तोहफे में देकर जा रहा हूँ कि हमारे कत्ल को इंसानियत का खून लिखना था, हमारे कातिलों को वक्त का कारून लिखना था। वो बच्चा भूख से बेहोश होकर गिर पड़ा सरवर, वो बच्चा भूख से बेहोश होकर गिर पड़ा सरवर, जिसे स्कूल में रोटी पे एक मजमून लिखना था। वो बच्चा भूख से बेहोश होकर गिर पड़ा सरवर, वो बच्चा भूख से बेहोश होकर गिर पड़ा सरवर, जिसे स्कूल में रोटी पे एक मजमून लिखना था। ये हालात है हिंदुस्तान के, लेकिन उसे शायर किस सादगी के साथ शायरी बना देता है हमारे रोजमर्रा के हालात को, वो हम देखेंगे अखलाक अफरोज की शायरी में। जोरदार तालियों से इस्तकबाल फरमाए मोहतरम अखलाक अफरोज आपकी समातों के हवाले। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई वालेकुम सलाम। बिना किसी तमहीद के एक नज्म पेश करता हूँ, नज्म का उनवान है बेटी की इल्तिजा। क्या बात, समाज फरमाए। बेहिसी छोड़ो होश में आओ, बेहिसी छोड़ो होश में आओ, बेहिसी छोड़ो होश में आओ, अम्मी अब्बू मुझे ये बतलाओ, बेहिसी छोड़ो होश में आओ, अम्मी अब्बू मुझे ये बतलाओ, मुझसे नफरत है किस लिए तुमको, क्या खता है मेरी जरा बोलो, दिल में खंजर उतारते क्यों हो, पेट में मुझको मारते क्यों हो, क्या मुझे हक नहीं है जीने का, तुमको अरमा है सिर्फ बेटे का, क्या मुझे हक नहीं है जीने का, तुमको अरमा है सिर्फ बेटे का, इल्तिजा ये मेरी जरा सुनना, फिर जो चाहे वो फैसला करना, इल्तिजा ये मेरी जरा सुनना, फिर जो चाहे वो फैसला करना, फूल हूँ हार लग रही हूँ अगर, मैं तुम्हें बार लग रही हूँ अगर, मुझको खाना भी तोल कर देना, अब नहीं है ये बोल कर देना, मुझसे मत करना कोई हमदर्दी, बात तक भी ना मेरी सुनना कभी, घर के सब काम मुझसे करवाना, मुझको बाजार भी ना ले जाना, मैं खिलौने कभी ना मांगूंगी, अपना बचपन भी मैं जला दूंगी, बस ये एहसान तुम करो मुझ पर, पैदा होने तो दो मुझे हंसकर, पैदा होने तो दो मुझे हंसकर। दोस्तों एक एक शख्स तालियों से इस्तकबाल करो, एक एक शख्स। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 भाई भाई, ठीक है आप बैठिए, मैं बुलवा रहा हूँ, आए भाई, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें, हौसला अफजाई करें इस खूबसूरत जज्बात की अक्कासी करने वाले शायर का। वाह वाह वाह। वक्त की कमी के कारण बहुत बहुत मुबारक। क्या बात, बिल्कुल बुराई में भलाई ढूंढता हूँ, बुराई में भलाई ढूंढता हूँ, मैं दुश्मन में भी भाई ढूंढता हूँ। क्या बात, क्या बात है भाई। बुराई में भलाई ढूंढता हूँ, मैं दुश्मन में भी भाई ढूंढता हूँ, वो मेरे वास्ते है जहर लेकिन मैं उसमें भी दवाई ढूंढता हूँ। अरे क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। अगर पर्वत नहीं तो दोस्तों राई जरूर आती, अगर पर्वत नहीं तो दोस्तों अगर पर्वत नहीं तो दोस्तों राई जरूर आती, मेरे हिस्से में कम से कम खुशी इतनी जरूर आती। क्या बात, अगर पर्वत नहीं तो दोस्तों राई जरूर आती, मेरे हिस्से में कम से कम खुशी इतनी जरूर आती, और मलाल इसका है मेरी मौत पर बेटा नहीं आया, मुझे बेटी अगर होती तो फिर बेटी जरूर आती। क्या बात है, वाह भाई वाह वाह, अबे जिंदाबाद भाई, जियो भाई, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया हजरत। मत अकड़ इतना कि तकदीर बदल जाएगी, वाह भाई, मत अकड़ इतना कि तकदीर बदल जाएगी, ये जो दौलत है तुझे छोड़ के कल जाएगी। क्या बात, मत अकड़ इतना कि तकदीर बदल जाएगी, ये जो दौलत है तुझे छोड़ के कल जाएगी, और घर की दहलीज पे गुर्बत के कदम रखते ही तेरी खुददारी भी खिड़की से निकल जाएगी। वाह भाई, बहुत बहुत मुबारकबाद पेश कर।